नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। त्याग, तपस्या, संघर्ष और साधना की मिसाल रही मशहूर गायिका लता मंगेशकर की आज पुण्यतिथि है। पिछले साल इसी समय वह दुनिया को अलविदा कह गई थी। मौत से पहले मुंबई के ब्रांच कैंडी अस्पताल में उन्होंने 29 दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष किया था, लेकिन कोरोना और निमोनिया एक साथ हो जाने की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। लता दी को स्वर सामग्रीय बुलबुले हिंद और स्वर कोकिला जैसे अनेक नामों से बुलाया जाता था। साल 2001 में उनकी संगीत साधना को देखते हुए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान से भी सम्मानित हुई थी। उनके नाम कई नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी दर्ज हैं। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया के जाने पहचाने नाम थे, लेकिन 13 साल की उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए हट गया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई। घर में माँ के साथ चार भाई बहन आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर मौजूद थे। उन सभी की जीविका के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। संगीत और रंगमंच उनको विरासत में मिला था, इसीलिए उसमें काम करना उनके लिए सहज था। इसलिए उन्होंने अभिनय और गायन शुरू किया। साल 1942 में रिलीज हुई मराठी पहली मंगला गॉड के लिए उन्होंने अपना पहला गाना गाया। इसमें उन्होंने अभिनय भी किया। लता दीदी ताउम्र अविवाहित रही। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनका परिवार था। परिवार के पालन पोषण में वे इतनी व्यस्त रहीं कि उनको शादी का भी ख्याल नहीं आया। कई बार रिश्ते आए, लेकिन जिम्मेदारियों ने उनसे जुड़ने नहीं दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, पिताजी के जाने के बाद घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लग गई थी। बहुत ज्यादा काम मेरे पास रहता था। यदि मैं शादी कर लेती तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर दूसरे के घर जाना पड़ता, इसलिए जब भी रिश्ते आए मैंने मना कर दिया। 1000 फिल्मों में 50,000 से अधिक गाने गाने वाली लता दीदी ने 80 वर्षों तक सुर साधना की थी। उन्होंने करीब 20 भारतीय भाषाओं में गाने गाए। ये किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। इसके लिए साल 1974 में उनके नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। तब उन्होंने 25,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर लिए थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब लता मंगेशकर के गाने के बिना फिल्म बनती ही नहीं थी। उनकी आवाज फिल्म की सफलता की गारंटी हुआ करती थी। कई मशहूर अभिनेत्रियों को सफल बनाने में उनकी आवाज की बड़ी भूमिका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें पर्यावरण।